Hail India students, Kidzi Mansa welcomes you in Concept Time. Today, in this video, we are going to learn about pollution. बच्चो, आज की इस वीडियो में हम pollution के बारे में सीखने जा रहे हैं. But first of all, we will understand the meaning of pollution. लेकिन सबसे पहले हम pollution का meaning समझेंगे. Pollution is something that makes the environment dirty and unhealthy. Pollution means प्रदूषण, जो के हमारे वातावरण को अस्वस्थ और गंदा करता है. It is caused by both nature as well as humans. ये nature और humans दोनों की वजह से फैलता है. बच्चों, आपको पता है nature की वजह से pollution कैसे फैलता है? जैसे कि flood आ जाना और फॉरेस्ट में आग लग जाना और ज्वालामुखी के फटने से पोल्यूशन फैलता है. वी कैन नॉट कंट्रोल नेचुरल पोल्यूशन. हम नेचुरल पोल्यूशन पर कंट्रोल नहीं कर सकते. और अभी हम देखेंगे कि ह्यूमंस की वजह से पोल्यूशन कैसे फैलता है. द पोल्यूशन इज ऑफ थ्री टाइप्स. लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन. फर्स्ट इज एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय the smog which is coming out from the factories and vehicles. Air pollution factories or vehicles में से धुआं निकलने की वजह से फैलता है. Next is water pollution. Water pollution is caused by throwing garbage in the rivers and washing clothes and utensils on the bank of the rivers. Water pollution नदियों में कूड़ा फेंकने की वजह से और नदियों के किनारे पर कपड़े धोने और बर्तन साफ करने की वजह से फैलता है. इसके अलावा फैक्ट्रियों में से निकला हुआ पानी जिसमें खतरनाक केमिकल घुले होते हैं, जब नदियों में जाके मिलते हैं तो वो वाटर पोल्यूशन कॉज करता है. नेक्स्ट इज लैंड पोल्यूशन. लैंड पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय थ्रोइंग गार्बेज ऑन द रोड्स. लैंड पोल्यूशन सड़कों पर कूड़ा फेंकने की वजह से फैलता है. बच्चों, आपने देखा ही होगा कि जब हम मार्केट में जाते हैं तब रोड्स पर गार्बेज फेंका हुआ होता है और वहाँ से बहुत ही गंदी स्मेल भी आ रही होती है. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट पोल्यूशन. बाय बाय.